ओके हेलो दोस्तों, एक मेरी क्लिपिंग, छोटी सी क्लिपिंग, पूरे बहुत बड़े शो में से एक छोटी सी क्लिप। অৱশেষত অসমবাসীৰ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে ৰাঘৱে। কিয়, কেনেকৈ, কি কাৰণে এই কথাষাৰ ক'বলগীয়া হৈছিল সকলো খুলি ক'লে ৰাঘৱে। প্ৰথমতে শুনি লওঁ আহক, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আগতে তেখেতে কি ক'লে। ओके हेलो दोस्तों, एक मेरी क्लिपिंग, छोटी सी क्लिपिंग, पूरे बहुत बड़े शो में से एक छोटी सी क्लिपिंग एक वायरल हुई है, जिसमें मुझे हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। हेट कमेंट्स क्या है, ऑब्वियसली मुझे रेसिस्ट कहा जा रहा है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। उसकी कहानी बताना चाहता हूँ उस क्लिपिंग से पहले की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे शो देख के आइए एक बार और फिर वो क्लिपिंग को जज कीजिए, क्योंकि वो इतनी सी क्लिपिंग निकाल के जज करना ठीक नहीं रहेगा यार, मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी और जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए भी। यार क्या हुआ है कि एक बच्ची छोटी सी गुंजन आसाम गुवाहाटी से आई थी, और हम लोग जनरली बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपकी हॉबीज़ क्या है, तो बच्चे बोलते हैं डांस है, डांस तो करने आई है, बाकी हॉबीज़ बताते हैं वो। तो गुंजन ने बोला मेरी हॉबी है मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मतलब चाइनीज मतलब जिबरिश में। तो उसको फर्स्ट एपिसोड से ही हमने पूछा था कि आपका क्या टैलेंट है, वो बोलती कि मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, और हम लोग सब हंसते थे कि बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उड़ सकती हूँ, मैं उड़ के समुंदर में जा सकती हूँ। उसने बोला मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरा टैलेंट है, और सब लोगों ने क्लैपिंग शुरू कर दी। वाह, सुनाओ चाइनीज में बात करके दिखाओ दिखाओ। बच्ची ने चाइनीज में बात करके दिखाया, जिबरिश चाइनीज ऑब्वियसली। वहां से सिलसिला शुरू हुआ सारे एपिसोड्स में उसका, वो वैसे ही बोलती थी, उसको हम लोग बोलते थे बोलो, अच्छा अब इस पे बोल के दिखाओ, अब चाइनीज में बोल के दिखाओ, अब दूसरी भाषा में बोल के दिखाओ जो उस प्लेनेट की भाषा है, ऐसे करके हम उसे बोलते थे। तो इसी वजह से एक एपिसोड में, वो भी लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, मैंने उसे उसकी तरीके से बुलाया, क्योंकि उसका वो क्रिएटिव चलता आ रहा था सारे एपिसोड्स में। अगर आप सारे एपिसोड्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको एक क्लिपिंग में मुझे रेसिस्ट नहीं बोलेंगे। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ नॉर्थ ईस्ट से यार, मेरी फैमिली रहती है, आई हैव माय फैमिली इन सिक्किम, आई हैव माय फैमिली इन अरुणाचल प्रदेश, आई हैव फ्रेंड्स इन नागालैंड, और ऐसे नहीं खास दोस्त यार जिनके साथ पला बड़ा हूँ मैं, यू नो मैं बोर्डिंग स्कूल में था ना, आई हैव, और मैं एक आदमी हूँ जो हर चीज़ को पॉलिटिकली करेक्ट करके दिखाता हूँ या फिर बताता हूँ या कोशिश करता हूँ कि मैं स्टैंड लूँ जो भी इनजस्टिस हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, बल्कि उस वजह से मुझे गालियाँ भी पड़ती है कभी कभी कि मैं स्टैंड ले रहा हूँ किसी के लिए, किसी एक रिलीजन के लिए, किसी एक कास्ट के लिए, कल्चर के लिए, क्रीड के लिए। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुँची है यार, मेरा यार वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাগৈ ইতিমধ্যেই গম পালে কিয় ৰাঘৱে সেই কণমানিগৰাকীক তেনেকৈ মাতিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰু সৰু কিছুমান ক্লিপ লৈ এজন মানুহক আপোনালোকে কেতিয়াও বিচাৰ নকৰিব। কোন সত্যৰ কোন অসত্যৰ সকলো খবৰ জানিহে আপোনালোকে এজন মানুহক সমালোচনা কৰক। সো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে এই ভুল ধাৰণাটো সত্যতা সকলোৱে গম পায়। নতুনকৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, ভিডিঅ'টো কোনো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।